अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम वर्क करने जा रहे हैं 12.4 थ्योरम इस क्लास का, जो कि है आप लोगों के पास, जैसे कि आपने पिछले थ्योरम में भी पढ़ लिया है कि सर्कल के अंदर एक माइनर आर्क, मेजर आर्क या सेंट्रल एंगल और उसके साथ दूसरा किसी भी आर्क पर एंगल बना। तो यहाँ पर आपके पास जो थ्योरम है वो ये है कि अपोजिट एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर, अपोजिट एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर इनसाइड द सर्कल आर सप्लीमेंट्री। कि अगर आप लोगों के पास किसी भी क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर को मैंने बता चुका हूँ फोर साइड के जो क्वाड्रिलेटर हम कहते हैं, चाहे वो जो भी फिगर हो, वो अगर सर्कल के अंदर हो, क्वाड्रिलेटर हो और सर्कल के अंदर हो, तो उसके अपोजिट एंगल का सम आपके पास 180 बनता है। जैसे एंगल ए और सी का 180 बनना चाहिए और बी और डी का। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सी क्वाड्रिलेटर हो इनस्क्राइब इन अ सर्कल, तो उसका सम 180 आना चाहिए। तो हमारे पास सर्कल है और उसके अंदर हमने कोई सी क्वाड्रिलेटर बना दिए ए बी सी डी, गिवन में ये लिखेंगे सर्कल इन सेंटर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर इनस्क्राइब इन अ सर्कल। अब प्रूफ क्या कर रहे हैं, प्रूफ ये कर रहे हैं कि अपोजिट एंगल बी सी डी बी ए डी, ए और सी का सम आपके पास कितना बन रहा है 180। तो ये भी एंगल बन रहा है ए बी सी और ए डी सी, इन दोनों का सम भी आपके पास क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। ठीक हो गया। अब आपके पास सिर्फ जो क्वाड्रिलेटर है ये सर्कल उससे कुछ नहीं हो सकता, तो कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि ज्वाइन कर देते हैं ओ को बी से और ओ को डी से। अब ए और सी से भी करेंगे तो बात वही रहेगी, क्योंकि हमने प्रूफ दोनों के लिए करना होता है। तो एक ये प्रूफ हो गया, दूसरे के लिए सिमिलर थी वही चीज प्रूफ हो जाती है। तो प्रूफ पे आते हैं, कंस्ट्रक्शन हमने कर दी, और बी और डी से ज्वाइन किया, इस साइड में अगर वन बन गया और साइड में अगर टू बन गया। अब सबसे पहले जो हमने पिछले थ्योरम 12.1 में पढ़ा हुआ है, तो मई एंगल नॉट इक्वल टू मई एंगल बी सी डी, के मेजर एंगल वन जो है वो टू बी सी डी के बराबर है। वहां पर आपने ये पढ़ा था कि माइनर आर्क के एंगल डबल मेजर आर्क के एंगल के बराबर होता है। यहाँ पर भी वही बात है, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर दी, एंगल विच इन आर्क ऑफ सर्कल, एंगल विच इन आर्क ऑफ सर्कल, इस आर्क के ऊपर कोई एंगल मान रहा है सबटेंडेड एट सेंटर ट्वाइस देयर, तो वो जो होगा उसके जो सेंटर पर बनने वाला एंगल होगा उसके मुकाबले में डबल होगा एट एनी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या आपके पास आर्क पर कोई एंगल बन रहा हो, वो आपके पास क्या होगा हाफ होगा, और जो सेंटर पर एंगल बन रहा होगा वो डबल होगा। मीन कहते हैं कि आपके पास 80 बन रहा है तो ये 40 होगा, ये अगर आपके पास 40 बन रहा है तो ये 20 होगा। तो इसलिए और वहाँ पर भी आपने पढ़ा था कि माइनर आर्क का एंगल मेजर आर्क के मुकाबले में डबल होता है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सेंट्रल एंगल जो होता है वो बाकी रिमेनिंग सर्कमफेरेंस पर कोई एंगल उसके बन रहा है तो उसके मुकाबले में डबल होगा। तो ये लिखिए एंगल वन टू बाई एंगल बी सी डी, ये एंगल वन इसके लिए है, तो बाकी सर्कमफेरेंस पर ये एंगल बन रहा है जो कि टू बाई एंगल बी सी डी। अब चलते हैं अगले पे देखें तो बाई एंगल टू, अब वही बात दूसरे के लिए लिख रहा हूँ कि एंगल टू ये अब इस साइड बन रहा है, इसके मुकाबले में दूसरी साइड जो बनेगा तो उसके मुकाबले में भी ये डबल होगा। तो बाई एंगल टू इज इक्वल टू टू बाई एंगल ए डी ए बी या बी ए डी, जो भी आप लोग देख लें। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी ये दोनों के लिए रीजन सेम है कि सेंटर एंगल जो होता है वो डबल डेट द एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल फ्रेंड्स। अब जो तो आपके पास इक्वेशन आ रही है इसको अगर आप लोग ऐड कर लें, ऐड कर लें लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड की इक्वेशन का एंगल वन इक्वल टू टू का मान लेने बी सी डी प्लस बी एंगल बी ए डी, तो इसमें आप लोगों के पास बट एंगल वन इक्वल टू 360 अगर फिगर को देखा जाए तो पूरा सर्कल आपके पास 360 के लिए होता है। ये सेंटर एंगल इसके लिए है, ये सेंटर एंगल इसके लिए बन रहा है, तो ये दोनों अगर सम करें तो 360 ही होना चाहिए। तो एंगल वन प्लस एंगल टू कितना हो जाएगा 360। इसके बाद आपने यहाँ पर एंगल वन और टू की वैल्यू ऊपर इक्वेशन में डाल दी थी वन में जब यहाँ पर 360 डाल देंगे तो इधर आ जाएगा टू मई एंगल बी सी डी प्लस मई एंगल बी ए डी, टू बोथ साइड डिवाइड करो तो बी सी डी प्लस बी ए डी आपके पास 180 मतलब अपोजिट एंगल का सम आपके पास कितना हो गया 180। तो अगर ये 180 प्रूव हो गया तो फिर यही काम हम दूसरी साइड पे करें इधर से, तो भी वो 180 होगा, लेकिन उसके लिए हमें करने की जरूरत नहीं होती। सिमिलरली हम लोग देख लेते हैं इट कैन बी प्रूव दैट एंगल ए बी सी एंड एंगल एंगल ए बी सी आर सप्लीमेंट्री। तो आप लोगों के पास जैसे ये बन लिया है सब सप्लीमेंट्री बन लिया है और
ये भी आपके पास क्या जाएगा 180। तो बेसिकली सिंपल से थ्योरम होता है कि अगर कोई पार्टिकल स्टैंड में सर्कल हो तो उसके बनने वाले अपोजिट एंगल आपके पास सप्लीमेंट्री होते हैं। इसको समझ लें, अगर आप लोगों के पास कोई चीज़ समझ आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। इसका मतलब